कोई पण वृक्ष ने उगवा माटे खास तो बीज न्यूट्रिशन माटी पानी अने मॉइस्चर की जरूरत पड़ती हो छे। आम तो प्रकृति जाते ज वृक्ष ने उगाड़ी देती हो छे, परंतु तेने थोड़ी अपनी मदद की जरूरत पड़ती हो छे। आथी ज सीड्स बोल नो कंसेप्ट आ प्रकृति माटे खूब ज उपयोगी छे। હવે આજે આપણે જાણીશું કે જે દિવાળીના દિવસે પ્રોગ્રામ થવાનો છે તે પ્રોગ્રામમાં કયા કયા બીજ લેવામાં આવ્યા છે, કઈ પ્રકારનું મટીરિયલ આપવામાં આવશે, અને ખાસ કરીને આ સીડ્સ બોલ કેવી રીતના બનાવવામાં આવે છે, એટલે કે આમાં શું જરૂરત પડે છે, કેવી રીતના તમે સીડ્સ બોલને તૈયાર કરી શકો છો તે અંગે જાણો નિષ્ણાંત પાસેથી। સો સિમ્પલ કેસે બનતે હૈ ઉસકે બારે મેં હમ જાનતે હૈ। એક સિમ્પલ સા હૈ કે કોઈ ભી बीज को उगने के लिए एक तो पानी लगता है ना, और उसके साथ उसको जो पोषण देने के लिए कुछ पोषक तत्व लगते हैं। तो हम यहाँ पे मिट्टी और खाद को 2:1 प्रोपोर्शन में मिक्स करके जो बीज होते हैं उस सीजन के वो लेके उसको बॉल बनाया जाता है। सो सीड बॉल का जो कॉन्सेप्ट बना कि बारिश से पहले बना के थ्रो इन ग्रो करते हैं, हम यहाँ पे प्लांटिंग ग्रो कर रहे हैं। इसके अंदर जो थ्रोइंग ग्रो करते हैं उसके अंदर वो जो भी है उनके पास जो ज़रूरत की माने एक बड़ा पौधा होता है उसका बीज रहता है, एक उससे छोटा वाले पौधे के बीज रहते हैं। ऐसे करके बहुत सारे बीजों को एक साथ मिला के थ्रोइंग ग्रो करते हैं। यहाँ पे हमने जब हम प्लांटिंग ग्रो कर रहे हैं तो उसके अंदर वी आर गोइंग टू डू इन अ डिफरेंट वे कि कुछ मिक्स रहेंगे लेकिन कुछ पर्टिकुलरली वही रहेंगे। माने एक सीड बॉल में हो सकता है कि एक ही बीज हो, माने एक ही तरह का बीज हो। तो सीड बॉल हम घर पे बना सकते हैं, उसके लिए सिर्फ कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिट्टी खाद पानी और बीज, इससे हम सीड बॉल बना सकते हैं। ओके, हमने जो प्लांट्स के सीड्स लिए हैं, कुछ फ्रूट्स लिए हैं, कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, कुछ हर्ब्स लिए हैं, मेडिकेटेड प्लांट लिए हैं जैसे अश्वगंधा रहेगी, सतावरी रहेगी, तुलसी रहेगी, उसके साथ साथ मैरीगोल्ड्स भी, मैरीगोल्ड क्योंकि अभी ये सीजन में डाल सकते हैं और फुल रहते हैं तो वहाँ पे भंवरे या हनीबीज जो होती है वो आती है तो पॉलिनेशन का अच्छा काम होता है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमने वो सारे सीड्स भी लिए हैं। उसके साथ अगर बड़े में थोड़ा जाए तो ड्रमस्टिक लिए हैं, उसके साथ आंवला सीताफल, और आंवला सीताफल अगर कहे तो सीताफल मीठा है, आंवला थोड़ा खट्टा है। तो हर जो स्वाद होता है ना वो नेचर की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की, क्योंकि हर स्वाद में वो न्यूट्रिशन वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जब हम यहाँ पे किड्स गार्डनिंग करते हैं तो बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हर कलर का फूड खाना चाहिए, हर स्वाद का फूड खाना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। ऐसे ही नेचर को भी हर प्रकार के चाहिए, तो थोड़ा सा तूड़ा स्वाद है ड्रमस्टिक का आप देखोगे तो, है ना। तो ऐसे करके हमने मिक्स एंड मैच करके कुछ किए हैं। जो बड़े पौधे हैं उसके अंदर हमने टीकूट लिया है, सीसम लिया है, जो प्लांट वैल्यूएबल भी है, जिसके भी माने यहाँ लगेगा उसको उपयोग में आए, ये सोचते हुए हमने सीड्स माने प्लांट सीड्स का सिलेक्शन किया है।